प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10वीं डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी ने कहा, भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है, आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। मैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूँ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सेंट्रल जांच एजेंसीज के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ईडी सीबीआई की हालिया कार्रवाई पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, हमारे सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर परेशान किया जा रहा। कोरोना ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर डाला। नतीजा है कि पहली बार सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए लेने वाले 6 से 14 साल के बच्चों की संख्या बढ़कर 2021 में 70.3% तक पहुंच गई। 2018 में ये 64.3% थी। वही निजी स्कूल में एडमिशन लेने वालों की संख्या घटकर 24.4% पर सिमटी, जो 2018 में 32.5% पर थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज, नए केस में 10 से 20 हजार के आसपास मामले। देश में बीते 24 घंटे में 11,919 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 12,134 मरीज रिकवर, इस दौरान 470 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25,50,00,000। इस महामारी से अब तक 48,00,000 से ज्यादा की मौत, 7,56,00,000,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान आखिरकार भारत के दबाव के आगे झुक गया। अब जाधव पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट से मिली सजाए मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे। बुधवार को पाकिस्तान के उच्च सदन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी गई। जयपुर में खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए थे। मॉर्टन गुप्टिल ने और मार्क चैपमैन ने रनों की पारी खेली। भारत के लिए आर अश्विन और भुवनेश्वर कुमार 2-2 विकेट लेने में सफल रहे। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 5वें दिन बेहद खराब। कैटेगरी में सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 362, बुधवार को AQI 372 था, यानी 17 पॉइंट का सुधार तो हुआ, लेकिन स्थिति अब भी बेहद गंभीर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 4वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। 13 दिन के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 101 पॉइंट की तेजी के साथ 60,109 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 400 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 59,602 पर कर रहा कारोबार। बाजार सुबह बढ़त में था, लेकिन पेटीएम की खराब लिस्टिंग का असर बाजार पर दिखा। उसके बाद से सेंसेक्स में गिरावट। कल गुरु नानक जयंती की वजह से बाजार रहेंगे बंद, इसलिए आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है।